संगीत सरिता संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध संतूर वादक श्री उल्हास बापट और प्रसिद्ध तबला वादक श्री अनीश प्रधान द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला चित्रपट संगीत में सौंदर्य तत्व। आइए आज सुने इस श्रृंखला की अगली कड़ी। संगीत सरिता के श्रोताओं को नमस्कार। आज हम कहरवा ताल की ओर नजर डालेंगे। ये ताल 8 मात्रे का है और इसको लोक संगीत में और फिल्म संगीत में भी पाया जाता है। इसका ठेका इस प्रकार है। मूल ठेका है धा गे ना ती ना ग धी ना ती ना ग धी ना, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से बजाया जाता है। जैसा गाना हो उस हिसाब से बजाया जाता है। जैसे धा तिन नाड़ा ता दिन धाड़ा धा तिन नाड़ा ता दिन धाड़ा, या धक धिन नग धिन दा धिन नाना तिक धक धिन नग धिन दा धिन। अनीश जी, क्यों ना हम इस ठेके में एक धुन बजाएं जो कल्याण थाट पर आधारित हो, तो कोशिश करते। जरूर। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी ताल का ठेका जब बजता है तो मूल ठेका सिर्फ बजता नहीं है, बल्कि उसमें कुछ अलंकृत रूप से बजता है। उसी हिसाब से कहरवे में भी आपने इस बंदिश के साथ देखा कि मैंने अलग अलग वैरायटीज बजाएं। इस धुन के आखिर में जो आपने सुना उस हिस्से को हम लग्गी चाटी कहते हैं, जिसको हम ठुमरी दादरा या लोक संगीत में पाते हैं। और एक बात जो खासियत कहरवा या दादरे में होती है वो ये कि मुखड़े पर आने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की एक उठान होती है जिससे गाने में और निखार आता है। क्यों ना हम अपने श्रोताओं को वो प्रसिद्ध गीत सुनवाएं जो फिल्म बरसात की रात से हैं, जिसके संगीतकार रोशन साहब हैं। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल
से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए, जज्बात की रात जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अभी आपने कल्याण थाट का जो गाना सुना जिसमें कहरवा ताल इस्तेमाल किया हुआ था, ऐसे ही एक दूसरा गाना मुझे याद आ रहा है। वैसे कहरवा ही है लेकिन हमारे कमर्शियल इंडस्ट्री में इसको 2/4 कहते हैं, या वेस्टर्न ओरिएंटेड जो म्यूजिक होता है उसमें 2/4 कहते हैं। गाना है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, लता जी ने गाया है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने स्वरबद्ध किया है। इस गाने की विशेषता ये है कि रिदम का जो पैटर्न है उसमें कोंगो, बोंगो, बेस और तबला का इस्तेमाल करते हुए 2/4 का इतना अच्छा अनुभव हमें मिलता है। और ये बसंत मुखारी और आशावरी इन दोनों रागों पे निबद्ध हैं। नट खट शाम सताए घोर भयेपन घट पे, मोहे नट खट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपट जाए, मैं का करूं आराम आए आए, घोर भयेपन घट पे, मोहे नट खट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपट जाए, मैं का करूं आराम आए आए, घोर भयेपन घट पे। इसी प्रकार का एक और गाना मुझे याद आया जो पत्थर के सनम फिल्म के लिए है, राग धानी पर आधारित है। गाने के बोल है, कोई नहीं है फिर भी है मुझको, क्या जाने किसका इंतजार। इस गाने की और एक विशेषता है, 2/4 रिदम ही इस्तेमाल किया गया हुआ है लेकिन ढोलक का एक अलग पैटर्न, अलग ठेका इसमें है जो गाने की खूबसूरती और बढ़ा रहा है।
उल्लाश जी, अगला गाना मैं पेश करना चाहूँगा। ये गाना है साहेब बीबी और गुलाम फिल्म से। इस गाने में देखेंगे कि स्थाई में जो ताल बजा है वो कहरवा है, और अंतरे में वो बदल जाता है, वो है दादरा। और मैंने एक चीज़ नोट की कि इस गाने में जलतरंग का इस्तेमाल हुआ है, और कुछ कुछ म्यूज़िक में सारंगी और स्ट्रिंग सेक्शन, जैसे वायलिन सेक्शन साथ में बजाया है, उसका एक अलग ही टोन हमें सुनाई दे रहा है। और जलतरंग और सितार मैंडलिन, मेरे ख्याल से एक पूरा स्ट्रोक सेक्शन जिसे कहते हैं ना, वैसे यूज़ हुआ है। हम ये गाना सुनेंगे और आज की कड़ी समाप्त करेंगे। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सोना है तेरी महफिल में रख जगा है, आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सोना है तेरी महफिल में रख जगा है। चित्रपट संगीत में सौंदर्य तत्व, इस श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध संतूर वादक श्री उल्हास बापट और प्रसिद्ध तबला वादक श्री अनीश प्रधान। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Dare sa